नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुरे शार्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, डाइनिंग टेबल एसेसरीज को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बाउल होल्डर बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो बाउल होल्डर बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये कॉटन की 2 mm की डोरी ली है और 1 liter का बाउल लिया है। आप एक चीज ध्यान रखें कि ये डोरी हमेशा कॉटन या सिल्क की हो, नायलॉन ना हो, क्योंकि जब हम इसमें कोई भी बॉइलिंग टेम्परेचर की चीज रखेंगे और अगर इसका होल्डर नायलॉन का होगा तो वो उसकी गर्मी से खराब हो सकता है। और 6.5 mm का क्रोशिया लिया है। अब सबसे पहले हम इसको इस तरह पकड़ेंगे और इसमें से क्रोशिए को एंटर करके एक लूप बनाकर निकाल लेंगे और फिर 2 chains बनाएंगे। उसके बाद इसमें 11 treble और बनाएंगे। एक treble हम इन chains को ही काउंट करते हैं, इसलिए 11 treble और बनाएंगे तो टोटल 12 trebles हो जाएंगे। इलेवन ट्रबल्स बनने के बाद इस थ्रेड को खींच के इसे एकदम टाइट कर देंगे, जिससे ये एक सर्कल बन गया। अब इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब फिर से 2 chains बनाएंगे। अब इसके बाद सेकेंड राउंड में हम 2 trebles के ऊपर तो 2 trebles बनाएंगे, फिर नेक्स्ट थर्ड में 1 बनाएंगे, फिर उसके आगे 2 बनाएंगे, फिर 6th में 1 बनाएंगे। अब इसमें 2 बन गए, इसमें 2 बन गए, इसमें 1 बनाएंगे। फर्स्ट 2 में 2 बन गए, थर्ड में 1 बनाएंगे, फोर्थ में फिर से 2 बनाएंगे और फिफ्थ में भी 2 बनाएंगे। और 6th में फिर 1 बनाएंगे। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब थर्ड राउंड में हम फर्स्ट 3 में 2 trebles बनाएंगे और फोर्थ में 1 बनाएंगे, फिर आगे के 3 में 2 treble बनाएंगे, फिर फोर्थ में 1 बनाएंगे। इस तरह इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले 2 chains बनाएंगे और फिर इसमें 2 trebles बनाएंगे। सेकेंड में भी 2 बनाएंगे और थर्ड में भी 2 बनाएंगे। और फोर्थ में फिर 1 बनाएंगे। और फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ में 2 बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे। इसी तरह इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। देखिए, 3 राउंड हो गए। ये बेस जितना है उतना हम इसको इस तरह बना लेंगे। उसके बाद हमें ये ऊपर की तरफ बढ़ाना है।
अब ये यहाँ पे 2 चेन्स बनाएंगे, उसके बाद 4 ट्रबल्स में एक एक ट्रबल बनाएंगे, 5th में 2 बनाएंगे, फिर 4 में एक एक बनाएंगे और 5th में 2 बनाएंगे, जिससे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और किसका राउंड शेप आता जाएगा। अब ये 4 ट्रबल्स बन गए, फिर 5th में 2 बनाएंगे। फिर 4 ट्रबल्स में एक एक बनाएंगे और 5th में 2 बनाएंगे। इसी तरह इस राउंड को भी पूरा कर लेंगे। अब फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठने लगा। अब ये हमें पूरा बिल्कुल इसकी जो एजेस हैं यहाँ तक बनाना है, इसलिए ये जो लास्ट राउंड बनाया है बिल्कुल इसी ढंग से हम इसको ऊपर तक बनाते चले जाएंगे। जहाँ पे हमने ये 2-2 ट्रबल बनाए हैं, इनके बीच में हर राउंड में 2-2 बनाएंगे, बाकी सब में एक एक बनाएंगे, तो ये ऊपर को उठता हुआ बनता जाएगा और बिल्कुल नाप के यहाँ तक बना लें। अगर आप इसका बॉर्डर कुछ और बनाना चाहते हैं तो उतना गैप छोड़ के यहाँ तक बना लें, और अगर इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं तो पूरा ऊपर तक बना सकते हैं। अब ये 2 ट्रबल हैं, इसलिए इसके बीच में हम 2 ट्रबल बनाएंगे और फिर आगे सब में एक एक बनाएंगे, और फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2 ट्रबल बना लेंगे। इसी तरह इसको पूरा बनाते जाएंगे। अब फिर इसके बीच में 2 बनाएंगे। अब फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब आप एक रो इसकी भी और बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे कंगूरे का डिजाइन डाल सकते हैं। इसकी हमने ये सेम पैटर्न की 4 रोज बना ली। अब लास्ट रो कंगूरे वाली बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और फिर एक ट्रेबल छोड़ के नेक्स्ट ट्रेबल में 3 ट्रेबल्स बनाएंगे। और फिर एक ट्रेबल छोड़ के इसमें एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे। उसके बाद फिर एक ट्रेबल छोड़ के नेक्स्ट में फिर से 3 ट्रेबल बनाएंगे। फिर एक ट्रबल छोड़ के नेक्स्ट में एक हाफ ट्रबल बनाएंगे। इसी तरह इस राउंड को पूरा कर लेंगे। ऊपर से ये थोड़ा कंगूरेदार बन जाएगा। फिर इसे यहाँ पे जो हमने एक चेन बनाई थी उससे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए इसमें चारों तरफ कंगूरे आ गए और ये बिल्कुल इसके साइज का हो गया। अब हम इसको यहाँ पे कट करके नॉट लगा देंगे। अंदर की तरफ इसमें फंदा लगा के नॉट लगा देंगे। अब इस थ्रेड को इसी में अंदर दबा देंगे, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पॉट के अंदर से भी चमकेगा, तो बहुत नीटली आप इन्हें दबाएं। देखिए इस पे ये एकदम फिट आ गया। इसको आप ज़्यादा लूज भी नहीं रखें, नहीं तो ये नीचे सरक जाएगा, टिकेगा नहीं, और बहुत टाइट होगा तो बाउल इसमें रखने में दिक्कत होगी।
ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और बाहर से तो है ही खूबसूरत। इसी तरह आपके बाउल का जो भी साइज है या जो भी शेप है उस साइज का और उस शेप का इसे बना सकते हैं। ये कॉटन थ्रेड है इसलिए आप इसको अपनी पसंद के कलर में डाई भी कर सकते हैं। दोस्तों बाउल होल्डर और ग्लास होल्डर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ग्लास होल्डर नॉर्मली स्ट्रेट होते हैं और बाउल होल्डर थोड़ा गोलाई लिए हुए होते हैं। उसकी गोलाई के हिसाब से आपको उसके ट्रबल्स को कंट्रोल करना है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए और साथ ही मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल के बटन पर क्लिक करिए जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और यदि वीडियोज पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।